झामुमो के स्टार प्रचारक व झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन आज मधुपुर के आम बगान में गोड्डा लोकसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार प्रदीप यादव के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। मौके पर खेल व पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर यहां तैयारी पूरी कर ली गई है। भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया। बता दें कि दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर के द्वारा कल्पना सोरेन मधुपुर के आम बगान आएंगी। यहां हेलीपैड का निर्माण किया गया है। इधर प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। आज मधुपुर के आम बगान मैदान में महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में झामुमो की नेत्री कल्पना मुर्मू सोरेन आज यहां पर में चुनावी जनसभा करेंगी। वहीं इस चुनावी जनसभा में सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन भी उपस्थित रहेंगे। बताते चलें कि अब इस सातवें चरण में मतदान होना है गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का जो है मधुपुर विधानसभा काफी अहम माना जाता है और इस विधानसभा क्षेत्र से यहाँ के विधायक हफीजुल हसन हैं, उनकी जीत हुई थी पिछली बार और इसी संदर्भ में हफीजुल हसन के द्वारा यह चुनावी जनसभा रखी गई है जहां कल्पना मुर्मू सोरेन आएंगी और मतदाताओं को प्रदीप यादव के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करेंगी और उनसे वोट मांगेगी। आपको बता दें तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। ये देखिए पूरी तरह से इनका जो स्टेज है वो तैयार है। वहीं स्टेज के ठीक सामने में पंडाल पूरी तरह से बनकर तैयार है, हजारों कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ मैं दिखा दूं कि यहीं पर मैं बगल में हेलीपैड भी बनाया गया है। आज दिन के 12 बजे उनका कार्यक्रम है और 12 बजे दिन हेलीकॉप्टर से वो लैंड करेंगी और उसके बाद फिर यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। अपने सहयोगी के साथ रामचंद्र झा।